सोमनाथ शासन और दीव राज्य साथ जोड़ता सोमनाथ जेतपुर हाईवे की हालत चौमासानी शुरुआत थी बिस्मार थई हती। त्यारे स्थानिकों की अनेक रजूआतों बाद पण हाईवे पर योग्य समारकाम न कराता आज स्थानिकों हाईवे पर चक्काजाम करी अने होबाळो बोलाव्यो हतो। त्यारे वेरावळ पोलीस की मध्यस्थता बाद आज नेशनल हाईवे ऑथोरिटी और स्थानिक वच्चे समाधान थयुं हतुं। सोमनाथथी ओखा राज्यने जोड़तो गीर सोमनाथ जिल्लामां सौथी महत्वनो मार्ग सोमनाथ जेतपुर हाईवे चोमासाना कारणे बिस्मार थयो हतो। त्यारे वरसाद पूरो थयाने 20 दिवस वीती जवा छतां हाईवे पर कोई समारकाम शरू न कराता स्थानिकोए होबारो बोलाव्यो हतो। स्थानिकोनो आरोप हतो के नेशनल हाईवे ऑथोरिटीना बिस्मार हाईवेने कारणे स्थानिकोने वाहनोमां खर्चो थई रह्यो छे अने अकस्मातनो पण भय वध्यो छे। त्यारे स्थानिकोनी जीद हती के ज्यां सुधी नेशनल हाईवे ऑथोरिटीना अधिकारी काम शरू करवानी बाहेंधरी न आपे त्यां सुधी रस्तो शरू नहीं थवा दे। त्यारे हाईवे पर दौड़ती 2 किलोमीटर लांबो चक्काजाम थयो हतो, जेना कारणे वाहनो अने ट्रको अटवाया हता। घटनानी जाण थतां वेरावळ पोलीस घटनास्थळ पहोंची हती अने स्थानिकोनी मांग समजवानो प्रयत्न कर्यो हतो अने हाईवेने एक तरफथी पूर्ववत कराव्यो हतो। त्यारे वेरावळ पोलीस इंस्पेक्टर डीडी परमारनी मध्यस्थता बाद हाईवे पूर्ववत थयो हतो अने स्थानिको अने नेशनल हाईवे ऑथोरिटी वच्चे समाधान थयुं हतुं। त्यारे लांबा समयथी जिल्लामां बिस्मार रस्ताओ लोको माटे माथानो दुखावो बन्या छे। त्यारे लोकोनो रोष व्यवस्था तंत्र अने नेशनल हाईवे ऑथोरिटी तरफथी मूकी उठ्यो होय तेवा दृश्यो गीर सोमनाथमां सामे आव्या हता। पायल बांभणिया, जेडी टीवी, उना। यहाँ पे जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनमें पब्लिक को जो तकलीफ हो रही है उसके बाबत में निराकरण हेतु तपासनी करने के लिए मतलब पूछने के लिए बुलाया गया है मुझे, और मैंने यही निवेदन किया कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ऑलरेडी, कुछ जगह काम शुरू कर दिया है कॉन्ट्रैक्टर ने, और हम जल्दी से जल्दी पूरी रोड को रिले कर रहे हैं। उसमें भी यही रोडों का तसल्ली लायक तरीके से अच्छा रिपेयर हो जाए, यही पे चर्चा हुई थी। और उन्होंने भी यही बोला कि अभी बरसात तुरंत खत्म हुई है, एकदम थोड़ा समय सूखने के लिए मिल जाए नीचे का पेमेंट, जिसमें काम जो हो सबसे अच्छी गुणवत्ता का काम होना चाहिए। उसमें प्राथमिकता ये थी कि काम हो, एक बार हो और तसल्ली वाले तरीके से हो। पानी नहीं गिरता है उस दिन कोशिश पूरा रहती है कि मेंटेनेंस का कार्य किया जाए और आगे भी अच्छी गुणवत्ता का काम किया जाए। रोड तो यहीं रहेगी, अधिकारी आते जाते बने रहेंगे, लेकिन काम कभी रुकेगा नहीं और अच्छा काम होगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। NHAI का नाम बदनाम नहीं होगा। आज रोज अमो ट्रक मालिको अने आम जनता सहित जे जेतपुर सोमनाथ हाईवे है एनो छात्रोला गामनो जे ओवरब्रिज है एनी बाजुमां अमे स्वयंभू एक रस्ता रोकी अने एक तंत्रने मेसेज आपवा मांगीए छीए के तात्कालिक असरथी आ रोड रिपेर करवामां आवे। धूळनी डमोरीओ उडे छे, लाखों करोड़ों ट्रक मालिकोने नुकसान थाय छे अने 20-20 दिवस सुधी वरसाद वयो गयो छे, वराप निकळी गई छे, तेम छतां पण आज रस्ताओ रिपेर नथी थया, तो ए तात्कालिक असरथी रस्ताओ रिपेर थाय एवी अमे विनम्र मागणी करवामां आवी। तंत्रने वक्तो वक्त अमे जाण करीए, रूबरू टेलिफोन घणा बधा द्वारा, पण आज दिन सुधी कोई अमने सहयोग मळ्यो नथी। सर, रोड उपर खाडाओ छे, रोड है, रोड खाडा में है कि खाडा में रोड है, ये अटन नक्की करवू बधा लोको माटे मुश्केली है। एटली हदे स्थिति खराब है कि 10-10 फूटना खाडा, ट्रकनु टायर पण फाटी जाए, आज 50,000 नो झोटो आवे, 10,000 नी कमान आवे, एवढुं लाखों करोड़ों नुकसान ट्रक मालिको भोगवी रह्या छे। त्यारे अत्यारे अमारी एक ज मागणी छे कि तात्कालिक असरथी जे आ जेतपुर सोमनाथ नेशनल हाईवे है ये तात्कालिक असरथी पेचवर्क थाय, न थाय तो टोल टेक्स बंद करी देलो।